नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन। अभी एसएससी सीजीएल 2016 के जो राउंड फर्स्ट है, प्रीलिम्स राउंड है टायर वन, उसमें लगभग 10 से 15 दिन बाकी है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता चल चुका है कि उनका एग्ज़ाम अब कब होने वाला है। आप बोल सकते हैं कि अगले 10-12 लगभग 10 से 15 दिन में हम एग्ज़ाम की तरफ बढ़ जाएंगे और अगली ज़िंदगी का 60 साल का जो फैसला है होने वाला है इस एग्ज़ाम से, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, हम उस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस फेज में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, 10-15 दिन में, आने वाले 10-15 दिन में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे कि संभावना बड़े एग्जाम में और सफलता की तरफ हम बढ़ पाए। वो एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमें क्या कर सकते हैं इस दौरान, या स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट एजेंडा है, वो आपको चांसेस आपके इम्प्रूव कराने में हेल्प करेगा। और वो 5 पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए अगले 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, अगर किसी का एग्जाम लेटर फेज में है। फोकस ऑन एसएससी सीजीएल एग्जाम ओनली। आमतौर पर स्टूडेंट की एक बहुत ही प्रवृत्ति होती है माइंड की कि जब भी कोई एग्जाम निकलता है उसकी तरफ वो दौड़ चले जाते हैं। जैसे कोई मेले में गए, हर स्टोर पे भागने की कोशिश होती है, ट्रेड फेयर में गए और थोड़ी सी किसी ने झुंझुना बजाया, सिटी बजाई, उसकी तरफ हो लिए, कहीं पे म्यूजिक चल रहा है उसकी तरफ हो लिए। तो ऐसे ही एक प्रवृत्ति होती है कि जब भी कोई एग्जाम निकलता है, आरबीआई का एग्जाम निकला, आरबीआई की तरफ हो गए, बैंक पीओ का फॉर्म निकल गया, बैंक पीओ की तरफ हो गए। तो अगर 10-15 दिन में यही प्रवृत्ति रही तो एक गंभीर समस्या खड़ी होगी। स्पेशली बैंकिंग के बारे में मैं पूरा साफ बता देता हूं कि दो अलग अलग टाइप के एग्जाम है, बैंकिंग और एसएससी सीजीएल। आप इस पर कंफ्यूजन मत कीजिए। अगले 15 दिन में अगर आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी अभी की हुई है, पिछले 1 साल में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में, आप अपना फोकस लूज मत कीजिए और एसएससी सीजीएल के एग्जाम पर ही फोकस कीजिए। ये आलतू फालतू की चीज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा पे हम पॉइंट पे फोकस करेंगे, वो है डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस डेली 1000 MCQ। ऐसा क्यों करना चाहिए? रिवाइज एवरीथिंग, डोंट थिंक यू कैन नॉट डू, कीप योरसेल्फ अलर्ट, रेडी एंड हेल्थी। ये 5 बिंदु है, अगर उस पर फोकस किया जाए तो मुझे लगता है 10-15% संभावना एग्जाम में सक्सेस होने की बढ़ सकती है। देखते हैं ये 5 पॉइंट डिटेल में थोड़ा डिस्कस करें। फोकस ऑन एसएससी सीजीएल एग्जाम ओनली। व्हाई फोकस, व्हाई नॉट ऑल गवर्नमेंट जॉब्स? आप बहुत सारे कोचिंग सेंटरों के एड देखते हैं, आजकल एक फैशन और चला हुआ है, दीवारों पे पोस्टर, और हर एक जो 2-3 साल पे 4 साल से तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट ने अपनी ही एक ये गुरु बन गए हैं, इंग्लिश गुरु, मैथ गुरु, रीजनिंग गुरु, जीके गुरु, और दीवारों पे पोस्टर लगाए हुए हैं और वो हर तरह के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और साथ में खुद भी कर रहे हैं। तो मेरा ये मकसद यहाँ पे बोलने का ये है कि अगर आप जब इस तरह की एक भ्रांति में घूमते हैं, एबीसी कोचिंग सेंटर 100% जॉब गारंटी और यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जो भी एग्जाम आपको इस दुनिया में नजर आ रहा है, ये तो बहुत कम है, बल्कि और भी लिखे होते हैं, ऑल गवर्नमेंट जॉब भी। तो इस तरह की एड में और स्टूडेंट है आखिरी मौके भी फंस सकता है। मेरा ये यहां पे बोलने का मकसद यहां पे ये है कि हर एग्जाम एक अलग पैटर्न होता है और एक अलग माइंडसेट होता है। अब यूपीएससी का जीएस या जीके और एसएससी सीजीएल का जीएस और जीके
अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हो सकता है हम पढ़ दोनों मेरे दसवीं तक की चीज़ें रहे या बारहवीं तक की चीज़ें रहे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न है और जो माइंड सेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही अगर हम बैंकिंग और SSC की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक में बिल्कुल करंट आते हैं, एक में करंट बिल्कुल नहीं आता, या शायद ही कोई क्वेश्चन करंट का है, या करंट का डेफिनेशन ही SSC में दो पिछले दो चार साल की उसको करंट बोल रहे हैं और वो आती नहीं है एग्जाम में, तो अननेसेसरी टाइम वेस्टेज का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे अगर हम देखें SSC और CDS की बात करें, CDS में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन UPSC जो पैटर्न रखती है, तो हर एग्जाम का एक अपना अपना अलग पैटर्न होता है। उस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप 15 दिन की बात करें, मुझे लगता नहीं है कि 15 दिन में कोई फांसी आने वाली है। आप सिर्फ एक एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं और वो है SSC CGL। IAS के बाद सबसे बड़े एग्जाम में शामिल, अच्छी जॉब क्वालिटी, सरकारी जॉब, मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इस एग्जाम पर फोकस करें। बाकी चीज़ें भूल जाएं, करंट की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें। आपके जो ये कैलकुलेशन टाइप की चीज़ें होती हैं, सिंप्लीफिकेशन की चीज़ें, क्यूब रूट, स्क्वेयर रूट, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दें। और जो जैसे कि रीजनिंग, बैंक में रीजनिंग हाई लेवल की आती है, SSC में हाई लेवल की नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसान क्वेश्चन आएगा तो सबकी जॉब लग जाएगी। आसान क्वेश्चन का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, SSC की रीजनिंग में एग्जाम में, रियल एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं 48-50 स्कोर करते हैं, 45 से तो ऊपर स्कोर बहुत सारे लोगों का होता है। लेकिन अगर हम यही बात बैंक में देखें तो 50 में से अगर स्कोर करना पड़े तो शायद ही कोई 50 में से 50 या 48 की तरफ बढ़े। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि वहां पर 15-20 मार्क्स भी एक अच्छा हो सकता है, जबकि SSC में हो सकता है 45 भी एक अच्छा स्कोर ना हो। इन दोनों कंफ्यूजन में आपको एक लर्निंग है कि यहां पे सिंपल क्वेश्चन आने, मुश्किल क्वेश्चन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हमने देखा कि जो ये वाली कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं और ये इसमें से कुछ बच्चे, जब हम SSC टेस्ट सीरीज के वीडियो डालते हैं रीजनिंग पे, हमें उन लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि वो कमेंट लिख देते हैं कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे कि SSC और बैंकिंग क्या है या दूसरा एग्जाम क्या है, क्योंकि हर एग्जाम की अपनी अपनी एक GK या हर चीज का एक लेवल होता है, रीजनिंग का या मैथ का, जो भी है। तो वो समझते हैं कि अगर आसान क्वेश्चन हुआ तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। एक दो ने तो कमेंट लिख के हमें ब्लॉक करना पड़ा ऐसे स्टूडेंट को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारा चैनल एक कॉमर्शियल चैनल है और ऐसे स्टूडेंट जो कि SSC CGL वाले चैनल पे आकर और वो प्रचार करे ऐसी चीजों का जो कि उनको आसपास भी नजर नहीं है कि एक्चुअली इसका पैटर्न क्या है, और वो फैसला करने लग जाते हैं जो लेने या देने का, किस आसान और सिंपल क्वेश्चन से। वो ये नहीं समझते कि आसान क्वेश्चन को तो मेरिट ज्यादा जाएगी, इसमें नौकरी मिलने की या नहीं मिलने की बात नहीं है। तो आसान क्वेश्चन का मतलब कि हाई लेवल आपको स्कोर करना है, और मुश्किल क्वेश्चन मतलब आपका कम में भी हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आप जिस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उस एग्जाम में आपकी एक्सपर्टाइज बन जाए, इससे आपके जॉब लगने की संभावना या टोटल स्कोर करने की ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर है, अगर आप रीजनिंग 45 भी कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप बहुत एवरेज में हैं, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको स्कोर ज्यादा करना है। और क्वेश्चन आसान का मतलब यह नहीं कि जॉब मिलेगी। जॉब कब मिलेगी? जब आप टॉप 1000 में से एक स्टूडेंट में आएंगे तो उसकी आप जॉब की तरफ बढ़ेंगे, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक हो तो उसकी तरफ बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने खिचड़ी बनाकर रखी, जैसे यहां पे बनाई हुई है खिचड़ी, और ये ऐसी 80% केसेस में खिचड़ी होती है, ये 20% वाले ही स्पेसिफिक होते हैं, और ये हर जगह। अगर आप बिजनेस करें, कोई मान लो TV का शोरूम खोला आपने, LCD का शोरूम खोला, और बगल में कोई जूते की दुकान है उसने शोरूम खोला हुआ है, और उसमें 5-7 कस्टमर एक दिन में ज्यादा आ गए, तो TV वाले को ऐसे महसूस होने लग जाता है कई बार कि अगर मैं जूते का और कर लूं या जूते का खोल देता तो मेरा ज्यादा बेटर बिजनेस चलता। फिर वो जूस की दुकान की तरफ जाता है,
उसको लगता है यहाँ तो बहुत भीड़ है, इससे अच्छे मेरे से तो ज्यादा यही कमा रहा है। फिर वो मक्की बेचने वाले की तरफ जाता है, उसको लगता है वहां तो और भी ज्यादा भीड़ है। तो इस तरह से एक भ्रांति से दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाती है। जबकि उसका काम क्या था कि उसने टीवी या एलसीडी का जो शोरूम स्टार्ट किया था उसके ऊपर उसको फोकस करके एक ऊंचे मकान तक पहुंचाना था। उसका ध्यान हटा, ध्यान क्यों हटा, क्यों वो दूसरी जगह पे खिचड़ी सी देखनी स्टार्ट हो गई उसने। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और ज्यादातर स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है उनको। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फोकस नहीं करना पड़ा। ये हर जगह में होता है। क्रिकेट में देखिए आप, तेंदुलकर ने 20-21 साल क्रिकेट खेली। जब ये तेंदुलकर साहब खेलते थे तो बहुत सारे लोग कमेंटेटर का तो कमेंट करना ही काम है। अगर कोई एक दो खिलाड़ी स्टार्टिंग में आया और उसने अच्छा किया तो वो बोलता था ये तेंदुलकर से भी आगे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें विनोद कांबली, सरील अंकोला, ये सब तेंदुलकर या आसपास के लोग थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी। डिफरेंस क्या था इनमें और तेंदुलकर में कि तेंदुलकर अगर विनोद कांबली ने एक सेंचुरी या दो सेंचुरी मारी तो कभी होटलों में पार्टियां हो रही है, कभी वो हेयर स्टाइल चेंज हो रहे हैं, कभी कानों में बालियां डाली जा रही है, कभी जनता की तरफ बैग उठाकर इशारे किए जा रहे हैं। मतलब कि फोकस है तेंदुलकर में और उन दोनों में। फर्क कहां पे था, वो ये था कि एक बंदा डेडिकेटेड है, फोकस है अपने खेल के प्रति, समर्पित है अपने खेल के प्रति। दूसरा क्या है, कभी वो एडवर्टाइजिंग, कभी फुटबॉल, कभी कुछ और फिल्मों में आ गए, बाकी रही सही के जर। तो वो डाइवर्सिफाइड एक माइंड सेट है उसका, वो क्रिकेट पे नहीं रहकर और कहीं पे चला गया। और आप देखिए एक साल में जो तेंदुलकर के साथ मुकाबला हो रहा था, एक साल में वही कमेंट ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि इसको अब टीम में नहीं रखना चाहिए। डिफरेंस कहां पे था, तेंदुलकर से ज्यादा बैटिंग टेक्निक हो सकती थी उसकी या थी, लेकिन डिफरेंस था उसकी माइंड सेट में, फोकस न होने की वजह से। भाई अगर मैं एक और खिलाड़ी का बात करूं, सलील अंकोला, अगर आप थोड़े पुराने नॉलेज रखते हैं क्रिकेट का या हमारे जमाने में, बहुत बढ़िया बॉलर, जैसे ही एक दो मैच खेले फिल्मों वालों ने ऑफर दे दिया, बहुत हैंडसम, फिल्मों की तरफ भाग गए, फिर किसी एडवर्टाइजिंग में आ गए, फिर पार्टियों में चलना स्टार्ट हो गया। तो 6 महीने के अंदर अंदर जो कि इतनी तारीफें हो रही थी उस बॉलर की, उसको टीम से बाहर होना पड़ा। ये सेम प्रॉब्लम है, वो हर जगह पे है, और डिफरेंस भी यहीं पे होता है कि आपने स्टार्ट किया एसएससी सीजल के एग्जाम प्रिपरेशन और आप कहां पे बैठे गए, कभी आप जीके के करंट जीके के रट्टे मारे, कभी द हिंदू पढ़ रहे हैं, किसी ने बोल दिया द हिंदू पढ़े, हिंदू पढ़ रहे 4-5 घंटे। जिस एग्जाम में जहां पर जरूरत किस चीज की है उसके ऊपर फोकस न करने के बजाय वो ऐसी खिचड़ी में शामिल हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर है सोसाइटी का, वो उसको सेट नहीं होने दे रहा। और वो तेंदुलकर बनना है तो आपको माइंड पे अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये इस फर्स्ट पॉइंट का मैसेज कि आप थोड़ा कंट्रोल रखिए और लालच में मत आइए। ज्यादा जगह अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलती, जॉब की तैयारी स्पेसिफिक और विद गाइडेंस के साथ आप तैयारी कीजिए। आप इस गलत फील में मत रहिए कि आप ये कमेंट करेंगे किसी वीडियो के नीचे कि इसके क्वेश्चन के लेवल कम है या क्वेश्चन आसान है। तो वही स्टूडेंट है जब वो पोर्टल पे जाता है एग्जाम देता है तो कहीं पे भी आसपास नजर नहीं आता। हम ये नोट करते हैं ये चीजें, क्योंकि उसका काम कमेंट करना ज्यादा है, वो फोकस नहीं है उसका तैयारी करने पे। ऐसे ही हर जगह पे बाकी चीजों पे भी हम देखते हैं। फिर आप प्रैक्टिस डेली 1000 MCQ, कोई पिछले एक साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 2 महीने से, कोई 1 महीने से, अब टाइम आ चुका है कि आप जो भी तैयारी थी उसको सिमेट लीजिए। मतलब कि उसको आपको इस रूप में लाना है जिसके ऊपर आप अपने प्रैक्टिस का आधार बना सकें और एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है। कई बार स्टूडेंट को आखिरी मौके तक ये महसूस नहीं होता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि तेरी तैयारी अच्छी, ये और ज्यादा कंफ्यूजन का रीजन बनेगा। फिर आगे जितने भी तैयारी हो चुकी है, मेरे ख्याल से बहुत अत्यधिक चीजें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें।
जितनी तैयारी उसने की है उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करे। अगर 1000 क्वेश्चन करते हैं अगले 15 दिन में 15000 क्वेश्चन करे और बस एक बार रिवीजन लगा दे बाकी चीजों का, तो मुझे लगता है वो सफलता की तरफ बढ़ेगा। यू मोर कॉन्फिडेंस, आपको एमसीक्यू करने से क्या एडवांटेज होता है कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। वो एमसीक्यू किस फॉर्मेट में, उस तक वो किताब भी ले सकते हैं, जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश रीजनिंग, आप जो ये टेस्ट सीरीज वगैरह होती है कोचिंग सेंटर्स की वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आपने ज्वाइन की हुई है वो आप कंप्लीट कीजिए। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने कि अगर मान लो 50 टेस्ट की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, उसमें से किसी ने 2 टेस्ट किए, किसी ने 3 किए, कहीं उन्हें खाता नहीं खोला, टेस्ट सीरीज लगाकर खड़े हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदने से प्रैक्टिस नहीं होती, वो एग्जाम देने से प्रैक्टिस होगी। तो अभी टाइम है कि 4-5 टेस्ट तो आप डेली कर सकते हैं, 4-5 टेस्ट कर सकते हैं और बाकी और एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। तो टोटल 1000 एमसीक्यू 8-10 घंटे लगाकर आप उसको उसकी तरफ बढ़िए, या ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए। मेमोरी आपको दिमाग में ज्यादा बैठते हैं एमसीक्यू, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने से ज्यादा एमसीक्यू, क्योंकि ये अज्यूम कर चुका हूं मैं यहाँ पे कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार पढ़ चुके हैं और आप रिविजन की जरूरत है बस। कवरिंग एवरीथिंग मतलब कि एमसीक्यू है वो उसकी जो कवरेज है कंपेरेटिवली लार्ज होती है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हो सकता है वो एक ही टॉपिक पढ़े, लेकिन एमसीक्यू है वो ज्यादा कवरेज का मायने रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एसएससी की क्या खास बात होती है, अगर एसएससी में अगर आपने रिसर्च के बहुत ध्यान से देखा है तो एसएससी का जो क्वेश्चन पूछने का रेंज है वो कई चीजों में बहुत कम होता है। जैसे मैथ की बात करें, बहुत ही देखने में लगेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, एक्चुअल में एसएससी का सिलेबस सबसे कम है मैथ में, बहुत ही लिमिटेड 8-10 चैप्टर से ही वो 80-90% क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसका मतलब 8-10 चैप्टर कोई ज्यादा नहीं है। अगर किसी का एप्टीट्यूड ठीक है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट आजकल ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनका वैसे ही अच्छा होता है, तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अच्छे का पैमाना चेंज हो रहा है, कई लोग 40 को अच्छा मानते हैं, कई 48 को अच्छा मानते हैं, ये 8 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये 3-टायर सिस्टम है एग्जाम का, तो आप सिर्फ एक टायर में ज्यादा अच्छा करके इस जंग को नहीं जीत सकते, सभी में ही आपको ओवरऑल एक परफॉर्मेंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब है कि अगर एमसीक्यू करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना काफी होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी ने नया है कोई स्टूडेंट और बार बार अगर 2-4 बार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसने, तो उसकी संभावना एक कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होती है आमतौर पर मैथ रीजनिंग वगैरह में, या इंग्लिश में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जीके एक वास्ट होता है, अब आपको देखना पड़ेगा आपने जीके की तैयारी किस ढंग से या कितनी की हुई है। रिवाइज एवरीथिंग, देखो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं फॉर्मूलों से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, कोई प्रॉपर्टी से ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है, या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, या फिर शॉर्टकट है कोई आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड फॉर्मूले, नंबर सिस्टम से रिलेटेड हुआ, या प्रोविडेंट लॉ से रिलेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन हुए, वैरायटी क्वेश्चन हुए, उसका अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए हैं, तो आप अपने फॉर्मूला या इन सबको एक बार रिवाइज कीजिए अगले 2-4 दिन में, ताकि रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने पहले किया हुआ है। अगर पहले नहीं किया हुआ है तो आपको वो चीज़ करें जो पहले सारी चीज़ें तो नहीं की हुई होगी, लेकिन कम से कम वो रिवाइज करें जो कि की हुई है। नई चीज़ें छेड़ने का मकसद अब बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नई चीज़ छेड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क फैक्टर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आपके सामने क्या चैलेंज है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बताया अभी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप 140 कर रहे हैं या 80 कर रहे हैं। अगर 80 कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आप 100 के आसपास पहुंचाएं, 95-100 अगर आप स्कोर कर देते हैं तो एक इस दिशा में जाएंगे, इसका मतलब कि टायर वन क्लियर होने की संभावना हो जाएगी। और अगर टायर वन क्लियर है और एक बच्चे के आए हैं 140 और एक के आए हैं 100, अब देखो किसकी नौकरी लगने की संभावना है। मैं ये बोलता हूं हो सकता है इसके चांसेस ज्यादा हो, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कई केसेस में ये देखा गया है कि ये 140 वाला तो आदमी ठंडा हो जाता है, और ये जो 100 वाला है इसको
टायर टू में बहुत अच्छा करता है, टायर थ्री भी है, तो 500 में आगे स्कोर करना है और इसकी बाजी लगने की संभावना भी उतनी ही है जितनी की इसकी है, क्योंकि 500 में 40 के गैप को मिटाया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है। तो जो बच्चे 95, ये एक्चुअली वीडियो प्रेजेंटेशन उन बच्चों के लिए ज्यादा है जो बच्चे इस रेंज में आ रहे हैं, 95, 100, 80 स्कोर कर रहे हैं और वो टायर वन को क्वालिफाई करने के नजदीक है। ये जो धुरंधर है 140, इसके बारे में ज्यादा फिलहाल नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूं कि आप पीछे नहीं हटिए, आप इस मैदान में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हार नहीं है आपकी अभी तक, बल्कि हार इनकी हो सकती है अगर ये ठंडे हुए, क्योंकि मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, ये स्टार्ट है मुकाबला। और हम देखते हैं कई टूर्नामेंट में भी देखा है, खेल में भी, कि जो टीम पहले राउंड में मुश्किल से जीत पाई थी वो आखिर में चैंपियन भी बन जाती है। तो चैंपियन बनने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड में आप कीजिए, आपकी सफलता ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो चैंपियन वो लड़खड़ा सकता है आखिर में जाकर। ये कछुए वाली और जो खरगोश वाली स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन हिम्मत हारने का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। 70-80 वाले बच्चे, उनकी जॉब लग सकती है, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। और मैंने देखे हैं कि जिन बच्चों ने मुश्किल से टायर वन क्वालिफाई किया, उन्होंने बहुत अच्छी टायर टू में परफॉर्मेंस दी, और टायर थ्री भी जो पहले इंटरव्यू होता था, तो टायर टू और टायर थ्री में अगर परफॉर्मेंस, क्योंकि इनकी वेटेज ज्यादा होती है, टायर वन की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है, सिर्फ 200 मार्क्स है, जबकि टायर टू और टायर थ्री में हम 500 मार्क्स देखते हैं, और वहां पे सब्जेक्ट ही सिर्फ दो सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। तो जिन बच्चों ने मैथ और इंग्लिश को संभाल लिया दो सब्जेक्ट में, और एग्जाम के दिन उनका दिन अच्छा हुआ, तो वो वंडर्स कर सकते हैं, कुछ भी वो उलटफेर कर सकते हैं। तो 70-80-90 वाले बच्चे कृपया ध्यान दें, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, मुकाबला स्टार्ट हुआ है, चांसेस आपके उतने ज्यादा हैं जितने कि 140 वाले 150 वाले स्टूडेंट के हैं। बल्कि इस स्टूडेंट को अपनी ज्यादा अपने आप को ज्यादा कंपोज करने की जरूरत है, कंसंट्रेट उसको लूज करने की जरूरत नहीं कंसंट्रेशन, क्योंकि ये उसके उल्टा पड़ सकता है ये स्कोर। एनी शॉक और रिवर्स ट्रेंड, मतलब कि आमतौर पर SSC किस तरह के चेंज कर सकती है एग्जाम में, अगर हम पीछे बैठे हुए देखें, कि ये ऑनलाइन एग्जाम है, और ऑनलाइन एग्जाम में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैथ की बात करूं मैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हो सकता है एक भी ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं पे ये बात थोड़ी लिखा हुआ है, ये कंपलसरी थोड़ी है, कोई कानून थोड़ी है कि डाटा इंटरप्रिटेशन के डालने पड़ेंगे। और हो सकता है डाटा इंटरप्रिटेशन की 10 क्वेश्चन आ जाए, 5 भी आ सकते हैं। अगर मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ग्राफ तो एक तरफ चल रहा है एक बार, और फिर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन भी वो रेंडम दे सकते हैं, मतलब कि ग्राफ बार बार पलट कर देख रहे हैं हम, ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इससे एक बच्चे का यह भी पता चलता है कि वो परफॉर्मेंस कैसे, इस तरह के हालात में परफॉर्मेंस कैसे देगा, यह भी एक उसकी ऑफिसर की क्वालिटी को टेस्ट करना हुआ, सिर्फ मैथ टेस्ट करना नहीं, बाकी चीजें भी इसमें टेस्ट हो रही है। और क्या शौक हो सकता है, हो सकता है इंग्लिश में ज्यादा आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आ सकते हैं, जो आप नहीं सोच रहे, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम ज्यादा हो सकता है। और आपने इतने रट्टे मारे वोकैबुलरी या बाकी चीजों के ग्रामर के, तो उसका इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपको ये एक पार्ट है किसी भी एग्जाम का, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको पहले तैयार कर रहा हूँ कि किस पोर्शन से क्या चेंज हो सकता है, आमतौर पर SSC करते नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी आप मेंटली तैयार होइए, मेंटली तैयार होना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, वो थोड़ा ट्रेंड इधर उधर होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे एग्जाम हो रहा है। तो बावजूद इसके कि इसका SSC का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ज्यादा चेंज करने का, लेकिन आप जरूर तैयार रहिए इसके लिए। फिर आता है डोंट थिंक यू कैन नॉट, अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया सफलता के लिए, कि डोंट थिंक यू कैन नॉट डू, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, और ये प्रेजेंटेशन जो टारगेट रखी गई है उन लोगों के लिए है जो कि 70-80-90 या 100 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, और उनको लगता है पता नहीं क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप फोकस रखिए, आपकी संभावना उतनी है जितनी 140 प्लस लोगों की है, क्योंकि गैप है वो आपको उसका मिलेगा टायर टू और टायर थ्री में रिड्यूस करने का, और आप कर सकते हैं। आपका पहला काम, अगर इस रेंज में आ रहे हैं आप, तो कट ऑफ आप क्वालिफाई कीजिए। कट ऑफ क्वालिफाई करने का मतलब ये हुआ कि आप दौड़ में आ गए हैं, आपने पहला मैच तो जीत लिया, अब सेकंड, थर्ड राउंड और फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचते हैं,
में आपका पलड़ा भारी हो सकता है। हमने बाकी चीज़ों में देखते हैं इसमें भी उल्ट फेर होंगे और बहुत ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर यह कोई इतिहास नहीं है कि जिसने ट्रेंड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 140 क्या उसके ही नौकरी लगेगी, 100 वाले की भी नौकरी लग सकती है। गैप इतना भी ज़्यादा नहीं है कि रिड्यूस नहीं हो सकता। टायर टू एंड टायर थ्री कंट्रीब्यूट 500 मार्क्स। आप देखिए ये सिर्फ 200 मार्क्स में आपने 40 का गैप रखा है, तो 500 मार्क्स में आपको 40 का गैप हटाना है, जो कि आसानी से हटाया जा सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं होगा। तो हिम्मत रखने की आवश्यकता है, फोकस रखने की आवश्यकता है, और आपको ये सोचना है कि मुझे भी उतनी नौकरी लग रहेगी मेरी भी वैसी जैसे वो सोच रहा है 140 वाला। इनफैक्ट उस पर कॉम्प्लीसेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर वो थोड़ा भी पुराना है तो मुझे लगता है वो गया। क्यों गया? क्यों पुराना अगर 2-3 साल की तैयारी कर रहा है, वो राय देने की प्रवृत्ति में आ जाता है, सीखने की प्रवृत्ति में नहीं होता। और जब भी राय देने की प्रवृत्ति में कोई स्टूडेंट आए और सीखने की प्रवृत्ति से गायब हो, इसका मतलब उसका अब वो ट्रेंड खत्म होने का स्टार्ट हो चुका है। कीप योरसेल्फ अलर्ट रेडी एंड हेल्दी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, और स्पेशली आपके अगले 15 दिन में। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा अभी जो कि अगर मुझे भी कोई बताता तो मुझे यकीन नहीं होता। एक लड़का 2-3 साल पहले हमारे पास था जो कि क्लासरूम कोचिंग में है, और वो तैयारी करता था, 1 साल से तैयारी कर रहा था, बहुत 130 के आसपास स्कोर कर रहा था। आपको भी यकीन नहीं होगा, मुझे भी यकीन नहीं होगा कि उसको जब दो तीन डेट होती है एग्जाम की, पहले 2-3 डेट हुआ करती थी, आजकल थोड़ी ज्यादा है, तो जिस दिन उसका एग्जाम हुआ, मान लो 25 तारीख का एग्जाम था, उसके दिमाग में ये चल रहा था कि तेरा एग्जाम तो फर्स्ट को है। अब सोचिए 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो फर्स्ट को एग्जाम देने जाता है और वहां पे देखता है कि एकदम एडमिट कार्ड पे उसको नजर आता है कि भाई ये तो 25 तारीख कहां से आ गई, एकदम अचानक ये चेंज हो गया। तो सोचिए कि ऐसा भी हो जाता है कि आप स्पेशली अभी ये जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे इसमें संभावना हो सकती है काफी इस तरह की, क्योंकि आप अपने साथ वाले का या अजम्पशन लग जाता है, या कई बार के दिमाग में बैठ जाते हैं मेरे एग्जाम में एग्जाम डेट हुआ है। तो एक तो ध्यान रखिए, आप कन्फर्म रखिए आप अपने एग्जाम के, और एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से पढ़िए। आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, अलग अलग रीजन का वेबसाइट होगी, आप उससे देखिए और ये कंफर्म कीजिए। ये अपनी ड्यूटी, प्राइम ड्यूटी मानिए, और जितना जल्दी आप इसको कवर करेंगे एक माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जाम ये डेट है और इस टाइम को, स्पेशली टाइम से गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये भी है कि आप 1-2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए एग्जाम सेंटर पर। और मैंने एक देखा, एक पिछले साल एक कोई स्टूडेंट है हमारे तैयारी कर रहा था और काफी अच्छा था, और CPO का एग्जाम देने गया, पता उसने उसको लगा कि अगर मैं 1/2 घंटा पहले जाता हूँ एग्जाम से तो ये काफी आराम से मैं एग्जाम दे दूंगा, लेकिन शायद उसने एडमिट कार्ड या बाकी चीज ध्यान से नहीं पढ़ी। इंस्ट्रक्शन SSC ने लिखा हुआ था कि 1 घंटे पहले आपको एग्जाम में एंट्री करना जरूरी, वरना अलाउ नहीं करेंगे। अब सोचिए वो एग्जाम सेंटर पर जाता है इतनी दूर से, 4 साल तैयारी कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, उसकी दौड़ कोई काम की नहीं क्योंकि वो एग्जाम को मैं बैठने नहीं दिया उसको। उसने अजम्पशन कर लिया कि ये 1/2 घंटा काफी होता है किसी एग्जाम तक पहुंचना, क्योंकि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस तरह का ट्रेंड है कि आप 5 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, या 5-7 मिनट लेट भी हो सकते हैं, तो क्या हुआ। तो अगर किसी एग्जाम में ये पैटर्न है कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, इंस्ट्रक्शन है, हो सकता है वो सिक्योरिटी एंगल चेक कर रहे हो या फ्रॉड वाली चीजें चेक कर रहे हो, तो आपको उसको मानना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि एग्जाम में आप कब पहुंचेंगे, ये देखिए कि वहां पे डायरेक्शन क्या है। 1 घंटे पहले पहुंचना है, 2 घंटे पहले पहुंचना है, उससे पहले जरूर पहुंचिए। एक चीज और मैं बताता हूं, अब ये एग्जाम इस बात की संभावना होगी कि कुछ लोकल भी होंगे। लोकल का मतलब जैसे बैंक के एग्जाम होते हैं उसी सिटी में हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है और बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता शायद न पड़े, और आप देख भी रहे होंगे ट्रेंड थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है। एडमिट कार्ड जिन बच्चों के आए उन्होंने सेंटर भी देखे हैं। तो मैं ये वहां पे बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल एक रियल सिचुएशन है कि एक लड़की को एग्जाम देने गई वो बैंक का, और वो स्कूटी पे गई बैंक पे एग्जाम देने,
जब वो स्कूटी उसने बंद की, वो चाबी थी उसने डिक्की के अंदर रख दी। अब उसके दिमाग में अचानक आया कि अब चाबी तो डिक्की के अंदर रख दी, इसका मतलब वो डिक्की खोलने के लिए कोशिश कर रही है क्योंकि उसको चाबी चाहिए, ठीक है, और चाबी चाहिए। तो उसके दिमाग में वहीं पे वो घूम गई, और बजाय के एग्जाम देने में, एग्जाम में उसका दिमाग ये था कि मैं चाबी घूमूंगी, ये चाबी कैसे निकालूंगी, मैं घर कैसे जाऊंगी। तो आप सोचिए कि अब हल्की सी मिस्टेक थी ये, चाबी का ध्यान न रख पाना, की का ध्यान न रख पाना, और ये कितनी महंगी पड़ी कि उसका ध्यान ही नहीं गया, वो और टेस्ट की तरफ ध्यान नहीं हो पा रहा है एग्जाम में, और सारी सारी से तैयारी हो रही थी, तो कहां पे गलती हुई, ये छोटी सी मिस्टेक। रेडी फॉर द एग्जाम डेट, मैं एक पिछले साल की घटना बताता हूँ जो कि रियल लाइफ रियल घटना। एक लड़का था जो कि स्कोर कर रहा था 130, 120, 140 की रेंज में, और पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा था। जब वो एग्जाम में गया जिस दिन, उसको लगा कि वो अच्छी तरह से तैयारी करके गया है। तैयारी किस बात की, लोग समझते हैं तैयारी को कि वो ये नॉलेज वाली तैयारी, मैथ रीजनिंग इंग्लिश की तैयारी कैसी, उसके दिमाग में ये तैयारी चल रही थी। और इस दौरान जो दूसरी तैयारी, जो मैं अभी ध्यान दिला रहा हूं आप लोगों का छोटी छोटी बातों में, तो वो जो तैयारी थी उसकी वो नहीं थी। मतलब जब वो एग्जाम देने गया, पहले दिन जाता है सेंटर पे एक दिन पहले, आप सोचिए, और वो जो स्पेक्स होते हैं, चश्मा होता है, वो भूल जाता है घर पे। अब सोचिए कि हालांकि वो 0.1 या 1 नंबर का चश्मा हो सकता है उसका, क्योंकि अगर वो ज्यादा बड़ा होता तो रेगुलर चश्मा लगा कर घूमता वो, लेकिन ये जरूर है कि अगर उसके चश्मा नहीं है, अब वो चश्मा संडे का आमतौर पर टेस्ट होता है, चश्मा तो कोई बनाने से रहा, और अगर वो उसका जो एग्जाम दे रहा था दे देकर वो लगाता था चश्मा, अब वो उस दिन चश्मा नहीं है, सोचिए उसकी क्या हालत होगी। तो अल्टीमेटली उसका स्कोर जो 140 या 130 आ सकता था, वो लगभग 102 के आसपास हुआ। अब सोचिए इतना जो गैप हुआ उसको कवर करना कहां से, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। और इस बात ये भी कि वो एज भी 28, मतलब कि SSC के कुछ एक जो जॉब होती है उसी के लिए एलिजिबल। तो ऐसी गलती कहां पे हुई, अलर्टनेस न होने की वजह से। यहां पे ये जो अलर्ट का मुद्दा है कि कई बार ये चीजें मैटर कर जाती है। एक और घटना बताता हूं मैं, एक लड़की थी, ये 2-3 साल पहले की घटना है। वो लड़की हेल्थ कॉन्शियस भी काफी थी, दूसरों को गाइड करती थी कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। और उसका एग्जाम सेंटर दिल्ली SSC CGL के लिए, और जब ये एग्जाम होता है आमतौर पे अगस्त सितंबर मई जून वगैरह में एग्जाम होता है, और उस दौरान कुछ बारिश का मौसम या कुछ इस तरह का मौसम भी होता है। अब सोचिए कि वो लड़की अपने बुआ के यहाँ पे रुकती है रात को, और बुआ सुबह मौसम के अनुसार खाना तैयार करती है, उसमें पकौड़े तैयार कर देती है। अब बुआ ने पकौड़े तैयार किए हैं, डिफरेंट टेस्ट भी लड़की चाह रही होगी, तो क्यों ना एग्जाम देने से पहले ये पकौड़े वगैरह टेस्ट कर दिए जाए। उसने भरपेट ब्रेकफास्ट कर दिया पकौड़ों का। अब फूफा जी और बुआ जी सारे उसको छोड़ करने आते हैं सेंटर पे। ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी नहीं, रियल इंसिडेंट है। अब सेंटर पे जैसे ही वो पहुंचती है, अब क्योंकि पकौड़े खाए तो आप इसी से अंदाजा लगा सकिए कि जो पकौड़े, जिनको आदत नहीं थी इस तरह की खाने की, फूप वगैरह खाने की या इस तरह की ब्रेकफास्ट करने की आदत थी, उसके पेट में अब आप बोल सकते हैं दस्त लगने स्टार्ट हो गए। अब सोचिए एग्जाम देने का टाइम है, और आप वो उस स्ट्रगल उस सिचुएशन से आपके दस्त लग जाते हैं, क्योंकि आपने कोई ब्रेकफास्ट ऐसा कर लिया है जोश में आकर, या खुशी से, ज्यादा खुशी हो गई है कि वो अब वो जब 2 घंटे का एग्जाम था तो कभी वो सेंटर पे जा रही है, कभी वो टॉयलेट में, कभी ये क्लास में टेस्ट दे रही है, कभी टॉयलेट में, कैसा एग्जाम हुआ होगा आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। गलती कहां पे, सारी साल तैयारी की गलती कहां की, कि वो अलर्टनेस जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चाहिए एग्जाम से पहले, वो अलर्टनेस का नहीं होना था। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि वाटर से रिलेटेड हो, या फूड से रिलेटेड हो, या रोल नंबर से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, IND कार्ड भी चाहिए होता है, कई बार वापस भेज देंगे, वरना ध्यान रखना एग्जाम के टाइम में। एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं ये अलर्टनेस वाले मुद्दे पे, और उसका ध्यान मैं जरूर दिलाना चाहूंगा, वो है रोल नंबर का गलत लिख देना।
एसएससी बाद में लिस्ट भी जारी करती है कि इन लोगों के रोल नंबर गलत लिखे गए, इसलिए उनको जीरो नंबर दे दिया जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया, कटिंग कर दी, तो आपके जीरो नंबर आएंगे। और ऐसा कई स्टूडेंट कर देते हैं, क्यों, वो सारा पेपर ठीक रहेंगे, सिर्फ रोल नंबर में गड़बड़ कर बैठेंगे। तो एक तो यह, रोल नंबर में गड़बड़ मत कीजिए। और गड़बड़ अगर आपसे हो जाती है, एकमात्र समाधान है इसका, और वो भी एसएससी पर डिपेंड है, मानती है या नहीं मानती है, आप इमीडिएटली रीजनल ऑफिस में या उसके हेड ऑफिस में जा सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन दीजिए और लिख कर दीजिए, और उस मामले को निपटाइए वहीं पे, वो आपको ठीक करके दे देंगे। इस बात की संभावना 90% है। लेकिन अगर आपने कोई एजम्पशन रखा कि मैंने तो फ्लूड लगा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका रोल नंबर जीरो नहीं दिखाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी मिस्टेक होती है, तो नंबर वन आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है विद आपको विद प्रेजेंस, और अप्लीकेशन दीजिए कि मेरे से गलती हुई है, कृपा करके ठीक कीजिए, और श्योरिटी देखिए कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे वहां पे, एम्प्लॉय होंगे, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा कि वो आपकी बात मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है, वो ठीक कर देते हैं 90% केसेस में। बाद में नहीं होगा, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और जीरो नंबर दिखा दिया आपके खाते में, उसके बाद बहुत रेयर नहीं हो सकता उसके बाद। तो एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हैं। और जिनका रोल नंबर, अभी कई बच्चे बोल रहे हैं कि रोल नंबर नहीं आए, या फिर उसका वो ले नहीं रहा, दिखा नहीं दे रहा है, तो आप इमीडिएटली रीजनल ऑफिस को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। इधर उधर चक्कर काटने के कोई फायदा नहीं है, आप इस मामले को निपटाइए ताकि शांत मन से बाकी 10-15 दिन तैयारी कर सके। जिनका रोल नंबर आ चुका है वो देखिए, नहीं आया थोड़ा वेट कर लीजिए, जिनका नंबर आने वाला होगा। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलती स्टूपिड सी जो लग रही है वो न होने दें। दूसरों में हंसना बहुत आसान होगा, लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट खुद ही कर देते हैं, जैसे चश्मा भूलना, या आपको ब्रेकफास्ट में कुछ और ले लेना, चाबी भूल जाना, इस तरह की पेन भूल जाना, रोल नंबर का आईडी भूल जाना, एडमिट कार्ड का इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो इस तरह की गलती न करें। फिर आता है अगला, जो मैंने 5 पॉइंट बताए उस पर आप आखिर में ध्यान दे सकते हैं। मैंने जो 5 बताए, अगर मैं उसको रिवाइज करूं, एक कि आप इस एग्जाम पे फोकस कीजिए, आप इधर उधर की, अगर आप देखें बहुत सारे लोग करंट जीके की तैयारी कर रहे हैं जरूरत से ज़्यादा, भाई करंट जीके तो आता ही नहीं है एसएससी में, आप क्यों कर रहे हैं इतने ज़्यादा? आएगा तो एक दो क्वेश्चन आएगा, करंट जीके का मायना बहुत यहाँ पे लार्ज होता है, पिछले 2 साल को भी करंट जीके बोल सकते हैं, तो आपका जो तैयारी प्रॉफिट लॉस है, इसमें लॉस होने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा है, आप ज्यादा एमसीक्यू कीजिए और रिवाइज कीजिए जो भी आपने अभी तक तैयारी की है, मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश की, फॉर्मूले वगैरह जो भी है। और एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आप मत सोचिए कि आप ये एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बल्कि आप ही करेंगे जो ये सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ। जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होगा, उसकी संभावना धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक क्वालिटी है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। कीप योरसेल्फ अलर्ट, रेडी एंड हेल्दी। आप ये देखिए, जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई थी, फूड से रिलेटेड है, या रोल नंबर न भूलने से रिलेटेड है, या कोई गलती हो जाती है उसको कैसे करेक्ट करें, ये 5 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं 5 पॉइंट एजेंडे को, तो आपकी संभावनाएं हैं वो बढ़ेगी। और एक चीज ध्यान रखिए, पिनेकल इसमें आपका सपोर्ट करेगा, जो स्टूडेंट पिनेकल को ज्वाइन किया हुआ है, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई किसी कारणवश आप पीछे रह जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने, हम जैसे ही टायर 1 का एग्जाम खत्म होगा, एक पोर्टल स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं, और उस पोर्टल का मकसद होगा कि जो स्टूडेंट इस तरह की तैयारी की हुई है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की, ऑनलाइन लेवल पे उनको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलने की संभावना बढ़े। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर IIT खुलते हैं, IIM खुलते हैं नए, वहाँ पे भी नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, और हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी ऐसे होते हैं जिनको कि नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट जॉब की आज के टाइम में थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखिए कि वहाँ पे इतने ज़्यादा अप्लाई करने वाले होते नहीं है, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत अच्छा आपको रहने के लिए मिल सकता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, एक अच्छी जॉब हो सकती है, लेकिन लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे।
कहां पे अप्लाई करेंगे, वो आईबीपीएस क्लर्क की तरफ भागेंगे। 18,000 की जॉब या जितने भी की जॉब है, 15,000 का खून पिएगा वो बैंक, और आपको फिर क्या अगर प्रमोशन होती, बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन्वायरमेंट प्रेशर, आपको ये खाता खोलना है, ये पेंशन योजना, तो प्रॉब्लम ये है कि आप जॉब का थोड़ा दायरा बढ़ाइए और इस जो एग्जाम में तैयारी की है वो देखिए कहाँ कहाँ आपको यूज हो सकती है। उस चीज के लिए हम लोग कि हमारे स्टूडेंट की जॉब लगने की संभावना कैसे बढ़े उस पर रिसर्च के करने के बाद, और कौन कौन सी जॉब के लिए वो अप्लाई करे और क्या उसकी कंडीशन हो सकती है, मतलब वो करना चाहता नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो ऑलरेडी पीओ लगे हुए हैं और सिर्फ एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, वो नीचे नहीं आना चाहते, तो या फिर वो चाहते हैं कि आगे स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी की तरफ बढ़े। तो हम उन्हीं बातों को रिसर्च के माध्यम से कि कौन से स्टूडेंट को जॉब लगने की संभावना बेटर हो सकती है, अगर किसी की जॉब नहीं है, बेरोजगार है, उनको ध्यान में रखते हुए पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, और एक स्पेशल टीम होगी इसके लिए जो कि स्टूडेंट को यही बताएगी कि हम उसको कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और उनको क्या किस बात का ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से कि जितना वो तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट नॉलेज बढ़ाने में फोकस कर रहा है, अगर उसका नॉलेज थोड़ा इस मुद्दे पर बढ़े कि उसके लिए रेलिवेंट जो तैयारी उसने की है, उसके लिए रेलिवेंट जॉब जो निकल रही है वो अप्लाई करे, तो उसकी संभावना बढ़ सकती है। इस बात को हम फोकस जरूर करेंगे आने वाले टाइम में, हमारी टीम इस पे काम करेगी जिससे जॉब लगने की संभावना बढ़े। सिर्फ कोचिंग देना मकसद यहाँ पे नहीं हो सकता, मकसद एक करियर को या जॉब ओरिएंटेशन में उसका नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ाना, डिफरेंट एस्पेक्ट से वो एक मेन मोटो में शामिल होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं इस बात को, ये पिनेकल है कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाली आने वाले टाइम में, सिर्फ नॉलेज पे नहीं बाकी चीज़ों पे कि नौकरी लगने की कैसी संभावना हो सकती है। अगर 10-15 दिन में जिन लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ये पोर्टल है, इस पर जाएंगे आप तो यहाँ पर पोर्टल खुलेगा, ssccgilpinnacle.com, ये वेबसाइट है, आप इस पर जाकर हमारे 3-4 टाइप की टेस्ट सीरीज होती है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो टेस्ट सीरीज भी है, Tier 1, Tier 2 इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज भी है। जो लोग अभी करंटली ज्वाइन किया है, इन्होंने SSC की तरफ ध्यान गया है, वो लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं, 2017 भी फोकस कर सकते हैं, 2018 भी फोकस कर सकते हैं, तो वो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, SSC CGIL 2016, या अभी ये 2017 और 18 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 2 साल के लिए प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह, इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। या फिर जिनको इंटरनेट की प्रॉब्लम वो ये कोर्स हम पिनेकल का ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है 50 टेस्ट सीरीज, वो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे ले जाएंगे, बहुत आसान तरीका है इसको ज्वाइन करने का, जैसे आपने पेमेंट की विद इन 2 आवर्स आपके ईमेल के जरिए यूजर आईडी पासवर्ड और लिंक आएगा और आपके अकाउंट में टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। अगर और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होता है आपको, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो यहाँ पे आपको विभिन्न ट्राइब के प्रोडक्ट मिलेंगे, 80 प्रोडक्ट्स, वो आपको अभी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप कोई ऊपर वाले कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कई टाइप की टेस्ट सीरीज होती है, आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं परमानेंट, आप इसमें वीडियो पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले टाइम में भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आप उसका यूज कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज, अगर आप सिर्फ मैथ का कोर्स करना चाहते हैं या सिर्फ इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, उसके बाद सीधे आप पेमेंट करके हम आपको ये कोर्स का एक्सेस दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको आपने अभी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं किया या की है, तो अगर आप अपने प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पिनेकल आपको सपोर्ट करता है उस फील्ड में। तो ये था जो 10-15 दिन पहले आपको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो 70, 80 या 90 स्कोर कर रहे हैं, और उनके लिए भी थोड़ी अलर्टनेस की संभावना जो ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं कि कोई गलती नहीं हो जाए उनसे आखिरी मौके पे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। आप दूसरों पर हंसी मत कि किसी ने वो कोई पकौड़े खा लिए, आप भी ऐसा गलती कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैंने बताई कि आप
जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कीजिए, किसी एग्जाम में कोई चीज़ मुश्किल आती है, किसी एग्जाम में कोई मुश्किल आती है। तो जो लोग इस तरह के इस स्पेशली यूट्यूब चैनल पे पिनेकल का अगर किसी दूसरी चीज़ को वो हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, जैसे कि अगर इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ने कमेंट किया कि ये आसान लेवल है, मुश्किल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम जो हमारा दृष्टिकोण है इसमें वो बाधा डाल रहा है और दूसरे स्टूडेंट को वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उस स्टूडेंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस पर कि ये एसएससी सीजीएल से रिलेटेड ही चैनल है और इसमें सिर्फ एसएससी सीजीएल से रिलेटेड ही रिसर्च के बाद कोई चीज़ें डाली जाती हैं। हो सकता है आप कई चीज़ों की तैयारी कर रहे हों और इस बात को न समझ पाए हों, तो इस अगर हमारे वीडियो वगैरह का फायदा उठाना चाहते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ न करें जिससे कि दूसरों में कन्फ्यूजन का मैसेज आए और स्टूडेंट है वो एक भटक जाए। तो हम इस पर थोड़ा सीरियस हैं क्योंकि ये कमर्शियल चैनल है, ये पेड चैनल है, कुछ एक वीडियो पब्लिक में होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप जो इंटरफेयरिंग एक्टिविटी है हमारे जो सिस्टम है उसमें न करें। आप अनजाने में भी कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़, और जानबूझकर भी कर सकते हैं, लेकिन अनजाने में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट को बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, तो अगर कोई इंटरफेयरिंग कोई चीज़ आ रही है तो हम ब्लॉक कर देंगे उसको। थोड़ा सहयोग की उम्मीद करता हूँ मैं इस मामले में, समझने की उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे सिस्टम को जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि हम सिर्फ एसएससी सीजीएल के ऊपर ये चैनल चल रहा है, हम दूसरी चीज़ें नहीं कर रहे, और ये कॉमर्शियल चैनल है, हमको फ्री में कोई चीज़ नहीं दे रहे। कुछ एक वीडियो होते हैं हमारे जो कि आप फ्री में देख सकते हैं, और स्टडी मटेरियल आप कुछ एक स्टडी मटेरियल होता है जो हमारे वेबसाइट पे जाकर आप उसका एक्सेस यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक बड़ा स्टाफ हमारा 30 से ज़्यादा लोग इस पे काम करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे, और बहुत सारा सैलरी वगैरह भी देनी पड़ती है, तो एक कॉमर्शियल एक प्रॉपर एक कोचिंग सेंटर है। तो आप किसी एक फ्री वाले जो यूट्यूब चैनल उसके साथ कंपेयर करके और उसका जो एक खिचड़ी सी बनी हुई है बैंक पीओ रीजनिंग और ये रेलवे यूपीएससी सारी चीज़ें उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसकी वजह से अगर कोई गलती कर बैठे हैं जो हमारी नज़र में गलती होगी आपकी नज़र में वो शायद गलती ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, और सभी के लिए शुभकामनाएं कि वो 2016 एसएससी सीजीएल में बेस्ट परफॉर्मेंस दे। अभी टाइम है, और अगर कोई स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, फोकस कीजिए, आपका स्कोर अच्छा होगा। और ये कोई फाइनल राउंड नहीं है, फर्स्ट राउंड होगा, पहली लड़ाई है ये आपकी, अगली दो जो लड़ाइयाँ होगी वो मेन लड़ाई होगी। पहले लड़ाई में कम से कम आप बाहर निकलिए, एक कट ऑफ जरूर क्वालिफाई कीजिए, और जो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा, उसको और ज़्यादा परफॉर्मेंस देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।